संतोषी माता व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए। शुक्रवार का व्रत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शुक्रवार व्रत में खट्टे व्यंजन नहीं खाए जाते हैं और शाम को एक समय भोजन किया जाता है। आओ जाने इस व्रत में क्या खाएं। आप इस व्रत में रोटी खा सकती हैं, हलवा बनाएं सूजी का, सूजी के लड्डू बना सकती हैं, चावल की खीर बनाएं, मखाने की खीर बनाएं, सिंपल पूरी बनाएं, आलू की सब्जी बनाएं, मीठे फल खा सकती हैं, गाजर की सब्जी खा सकती है, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, गुड़ चना खाएं, चने की सब्जी भी बना सकती हो, केला, कस्टर्ड एप्पल और चीकू खा सकते हैं। यह बिल्कुल मीठे फल है, इनमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। आओ अब जाने संतोषी माता के व्रत में क्या नहीं खा सकती है। टमाटर का इस्तेमाल नहीं करें, अमचूर पाउडर नहीं खाना, घर के पीसे मसाले इस्तेमाल करें, बाजार के मसाले इस्तेमाल नहीं करें, काले और हरे दोनों अंगूर नहीं खाएं, पनीर और दही नहीं खाएं, फलों में अनार, संतरा, जामुन, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अंजीर, तरबूज, पपीता, सेब, नींबू, मौसमी, आम, यह फल नहीं खाएं। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन घर में कोई भी नहीं करे। मांसाहार का प्रयोग नहीं करे। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करे। संतोषी माता के व्रत में खट्टा नहीं खाया जाता है, इसलिए कुछ भी खाए तो 1000 बार सोचे। कोशिश करें सिंपल रोटी या पूरी और आलू की सब्जी व मीठे फल खाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।